रहेगा नहीं। अब आप ये सोचोगे कि कैमरा ऑफ करके खा लेंगे तो मैम को तो भी पता चल जाता है। ओके ओके नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड फॉर ओमकारम। साईराम ऑल ऑफ यू साईराम आज आप लोग बहुत कम बचे, ओनली 16, उसमें से एक तो मैं ही हूँ, ओनली 15। क्यों आज पता नहीं था क्या कि क्लास है? साईराम बेटा मैम आज मेरी क्लास लेट कदम हुई है इसलिए हम आ जाएंगे। मैम जैसे ही खत्म हुई वैसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा आपकी पहली क्लास लेट से चली है। ओके 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 कोई नहीं कोई नहीं, मैंने भी पहले ही ज्वाइन कर लिया था। हाँ हाँ नहीं आप तो कर लिए थे। ओके चलो ठीक है, अब मैं सबसे कुछ ना कुछ पूछूंगी। आप लोगों ने क्या समर वेकेशन में पढ़ाई की है? मस्ती तो सबने की है मुझे पता है, पढ़ाई कितने लोगों ने की है ये भी अब मुझे देखना है। ठीक ओके मैं किसको बुलाऊं? हाँ सुमीर मैम प्लीज बेटा। ओके नाउ अच्छा आप मुझे बताओ टू पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट अच्छा सबको ये याद है ना कि हमने क्या क्या पढ़ा था? प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। नो बेटा मैं जिसको कॉल करूंगी सिर्फ वही बोलेंगे और कोई नहीं बोल और कोई भी नहीं। मैम मैं बताऊं नहीं, मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगी क्लियर। तो कोई भी ये नहीं कहेगा मैं बताऊं क्योंकि सबको चांस मिलना है। तो हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, फंक्शन ऑफ प्लांट एंड यूजेस ऑफ प्लांट एंड लीफ स्ट्रक्चर। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो अब इन्हीं से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, देखते हैं किसको कितना याद है। यस सुमीर आप बताओ मुझे पार्ट्स ऑफ प्लांट, कोई भी बताओ 2-3 पार्ट्स प्लांट के। मैम लीव्स लीव्स वेरी गुड। फ्लोर हाँ फ्लोर हर लीफ और क्या बताया बेटा? फ्लोर मैम पार्डन प्लीज फ्लावर। ओके 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 वेरी गुड चलो ठीक। अब अनिका बताएगी। अनिका यस मैम। साईराम बेटा अब आप मुझे बताओ व्हाट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अभी सुमेर ने बताया मुझे लीफ एंड फ्लावर, आप और बताओ कुछ इन दोनों के अलावा। मैम फ्रूट्स फ्रूट्स ओके और मैम सीड। आपने पढ़ाई नहीं की अनिका। ओके मैम दीदी परिधि किसका नाम है? इतने सारे लोगों का नाम परिधि हो गया। तारुष का नाम भी परिधि है, तनिष का भी नाम परिधि है। यस परिधि यस बेटा आप बताओ मुझे। मैम लीफ फ्रूट वो तो हो गया, लीफ हो गया, उसके अलावा आप बताओ।
सायरा मैम। सायरा बेटा मैम सताक्षी अभी आप लोग को बात अच्छा ये बताओ किसको किसको मेरी बात नहीं समझ में आती मैं इंग्लिश में बोलूं व्हेन आई कॉल नेम योर देन यू रिप्लाई अदरवाइज यू पुट ऑफ योर माइक ओके चलो परिधि मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से माइक ऑन नहीं हो रहा था अच्छा ठीक है कोई नहीं बेटा आप बताओ आपने भी पढ़ाई नहीं की चलो कोई नहीं अर्षिता अश्रिता सॉरी अश्रिता यस मैम यस बेटा टेल मी पार्ट्स ऑफ प्लांट अच्छा आप लोगों ने प्लांट देखा है कि नहीं कभी देखा है तो प्लांट जब देखा है तो प्लांट में आपको क्या क्या दिखता है मैम कुशाग्र कुशाग्र प्लीज पुट मैम यशवर्धन स्विच ऑफ योर माइक हाँ यस अच्छा एक बात बताओ अभी मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया हिंदी में भी बोल दिया अब मुझे तो और कोई भाषा नहीं आती है कि मैं आप लोग को बताऊं ये बात कि हाँ मैं जिसका नाम कॉल करूंगी सिर्फ वही रिस्पांस करेगा ओके अश्रिता अश्रिता बोलो बेटा आप कभी देखे हो प्लांट यस देखे प्लांट देखा हाँ तो आपने प्लांट किसका प्लांट देखा है कौन से फ्रूट का या वेजिटेबल का मैंगो ट्री देखा है मैंगो तो मैंगो की जो ट्री होती है उसमें क्या क्या होते हैं मैंगो और लीव्स और ब्रांचेस लीव्स ब्रांचेस और पेड़ों की जड़ें होती हैं ओके okay, और मैंगो तो बहुत बहुत अच्छा सुनो आप लोग आज तो ठीक है मैं छोड़ रही हूँ लेकिन कल की क्लास में सारे लोग पढ़ के आएंगे जितनी भी मैंने पढ़ाई है ना पार्ट्स प्लांट्स के बारे में वो सारे आपको पढ़ के आना है मैं मुझे okay? आता है सब आना है जिसको आता है अच्छी बात है बट जिन्होंने नहीं पढ़ा जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन लोगों ने समर वेकेशन में अपना अब मैं यहाँ पर कुछ बच्चों को क्लास से लीव कर दूंगी क्योंकि वो बार बार अपना माइक ऑन कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं बार बार मना करने के बावजूद भी तो मैं उन्हें क्लास से लीव कर दूंगी मैं क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ जिन बच्चों ने पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है और बट जिन्होंने नहीं की है वो करेंगे अब क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर सबसे यही सारी चीजें पूछूंगी पता चला मैं आगे पढ़ाती जा रही हूँ पीछे का आप सब कुछ भूलते जा रहे हो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं ठीक है तो मैं डेली डेली यस अश्रिता क्या प्रॉब्लम बेटा मैम हमको कल प्लांट ऑफ ये पढ़कर आना है क्या हाँ पढ़ के आने हैं आप लोग ना ये मत सोचा करो एग्जाम होगा तब मैम पूछेंगी मैं ऐसी मैम नहीं हूँ मैं डेली डेली पूछूंगी जितना मैं पढ़ाती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में उतना पूछूंगी ही और उस पर मैं मार्क्स भी देती रहती हूँ मैं जो डेली पूछती हूँ ना क्योंकि मुझे वीकली रिपोर्ट बना के रखना होता है तो मैं उसमें वीकली रिपोर्ट बना के रखती हूँ कि कौन से बच्चे ने आंसर दिया है कौन से बच्चे ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि ठीक है आज नहीं बताया तो कल बताया उसने उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है
बट कुछ बच्चे हैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तो आज तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास थी समर वेकेशन के बाद, बट नेक्स्ट क्लास में सबको पढ़ के आना है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं बुलाऊंगी सताक्षी। यस मैम। हाँ तनिष पूछ रही सताक्षी। यस बेटा साई राम, आप मुझे बताओ पार्ट्स ऑफ प्लांट। यस मैम, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स। लीव्स, वेरी गुड। और कुछ बचा? कुछ अच्छा, वो जो ट्री, जो ये प्लांट होता है वो कैसे सॉइल के अंदर किसके थ्रू अटैच होता है? मैम रूट। रूट, वेरी गुड। आपने एक रूट छोड़ दिया था, बाकी सारे आपने बताया, वेरी गुड सताक्षी। मैम मैंने रूट भी बोला था। मैम मैंने रूट भी बोला था। अच्छा मैम मैंने रूट भी बोला था। मे बी मैंने आप, ओके ओके वेरी गुड, मुझे सुनाई नहीं दिया। यस तानिश, तनिश, तनिश नाम है कि तानिश नाम है? तनिश। तनिश। यस मैम। ओके, मैं कभी आपको तानिश बोल देती हूँ, कभी तनिश बोल देती हूँ। ओके नाउ तनिश, आप मुझे ये बताओ why are leaves mostly in green color? जो लीफ के कलर होते हैं मोस्टली, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लीफ के कलर, बट मोस्टली लीफ के कलर ग्रीन होते हैं, why? Please I can, ma'am I can try. No बेटा रूहानी, please switch off your mic. Please switch off. मैं जिसको कॉल करूंगी सिर्फ वही मुझे आंसर करेगा, अदरवाइज मैं क्लास से उनको लीव कर दूंगी। ओनली रेज योर हैंड। यश, तनिश आपको पता है बेटा? नो मैम। ओके मैम, आई कैन। यशवर्धन। यस मैम। यस बेटा टेल मी, Why are leaves mostly in green color? Leaf के जो कलर होते हैं mostly green color क्यों होता है? Man, because हाँ आपको आता है तो बताओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम। मैम मैं कल पढ़ के आऊंगा, क्योंकि मैंने याद करा था लेकिन मैं आज भूल गया। अब कोई बात नहीं बेटा, भूल जाते हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से याद आ जाएगा हमको, ठीक है? ओके मैम। ओके ना त्रिवेणी, आर यू इन द क्लास? यशवर्धन अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। त्रिवेणी आ रही है क्लास? क्लास में नहीं है त्रिवेणी? ओके त्रिवेणी नहीं है, तो दिव्या, दिव्या कुशवाहा। दिव्या भी नहीं है क्लास में? ओके एंड दृष्टि। हाँ तानी, सब अपनी माइक ऑफ कर लेना, अब मत ऑन करना बेटा, अगर कोई डाउट है तभी पूछो, कुछ बताना है? हाँ बोलो बेटा बोलो। लीफ में स्ट्रेट लाइन होती है, उससे हमें आती है। लीफ में क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। नहीं बेटा मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि लीफ का मोस्टली कलर ग्रीन क्यों होता है? मैम आई कैन,
ओके यस तारुष, तारुष हाँ यस तारुष रुको बेटा, रुको बेटा, नो वेदांश अभी वेट, वेट फॉर योर चांस। यस तारुष मैम, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। हाँ तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ओके, आपको लिखना प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मींस क्लोरोफिल अमान। अब मैं आपको क्लास के बाहर रखूंगी, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। अमान मैं बोल रही हूँ आपको क्लास के बाहर अब मैं करूंगी, आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ बेटा एक स्टूडेंट से, तो मैं दो दो स्टूडेंट की बातें एक साथ कैसे क्लियर कर सकती हूँ? डाउट पहले मुझे एक का क्लियर करने दो। तारुस आर यू क्लियर? यस मैम। ऐसे बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब आपको ट्राई करना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आंसर देना, क्योंकि अब आप थर्ड क्लास में गए। ठीक यस अमान बोलो आपके बेटा क्या प्रॉब्लम है? मैम लीव्स आर इन ग्रीन कलर बिकॉज़ दे प्रेजेंट ड्यू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके वेरी गुड, चलो ठीक। आप पढ़ के बता रहे हो मुझे कि याद है आपको? मैम गर्मी में याद किया था मैंने। ओके वेरी गुड, चलो वेरी गुड, अच्छा ठीक है। अब मुझे बताएंगी अनिका, अनिका जैन आप आ गई बेटा क्लास में? अच्छा नहीं त्रिवेणी को मैं, ओके अनिका मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। यस मैम। ओके बेटा नाउ स्विच ऑफ योर माइक। जय, जय ओपन योर माइक। जय प्लीज ओपन योर माइक बेटा। रूहानी मैम, यस यू टेल मी व्हाट इज, ओके नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड? फोटोसिंथेसिस मैम, फोटोसिंथेसिस। ओके वेरी गुड, ओके नाउ अब मुझे बताएंगे माधव, माधव आर इन द क्लास? साइरम बेटा, साइरम मैम। ओके आप मुझे बताओ हाँ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? डू यू नो और नॉट? आपको पता है या नहीं बेटा? नो मैम नहीं पता। नहीं पता लीफ का फंक्शन क्या है? नो मैम नहीं पता है। ओके कोई बात नहीं, आपने फिर पढ़ाई नहीं की है, आप पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो ठीक है। रिदम, रिदम आर यू इन द क्लास? यस मैम। ओके बेटा आप मुझे बताओ वेयर आर यू, कहाँ पे हो आप? मुझे दिख ही नहीं रहे हो, ओनली रेज योर हैंड बेट। हाँ अब मुझे दिखे, ओके 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 दिख गए दिख गए, चलो ठीक। आप मुझे बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ?
आप जानते हो या नहीं, आप मुझे बस ये बताओ। नो मैम। यस या नो बेटा, प्लीज टेल मी फास्ट। नो। ओके वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। नो मैम, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। ओके रिदम, रिदम मुझसे बातें करो बेटा, आप उधर किससे बातें कर रहे हो क्लास के टाइम? आप पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। दिव्यांश, दिव्यांश ओपन योर माइक। यस मैम। ओके बेटा, यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ। ओके, बहुत कम बच्चों ने पढ़ाई की है। यस वेदांश, यू टेल मी। मैम, मैम फोटोसिंथेसिस। ओके यस दिव्यांश, हाँ क्या बोलो। मैम आपने क्या पूछा था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का फंक्शन क्या है? चलो ओके वेरी गुड। श्रेयस, श्रेयस गुप्ता। श्रेयस आर यू इन द क्लास? यस मैम। ओके साईराम, चलो आप मुझे बताओ। वेट वेट अ मिनट, अच्छा श्रेयस मुझे आप ये बताओ, एक सेकेंड। वेट वेट बेटा, जस्ट मेक हाँ आप मुझे बताओ, किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं? What is kitchen of the plant? Which part of हाँ किचन ऑफ द प्लांट, विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के आप प्लांट के पार्ट तो जानते हो ना, कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के? प्लांट के पार्ट्स बोल रही हूँ, टाइप्स नहीं। अच्छा ओके मैम, ओके मैम। लीफ, स्टेम, ओके ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ, ओके 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 ठीक है, अब आप मुझे बताओ किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलेंगे, प्लांट के किस पार्ट को? मैं लीफ। इतने सारे बच्चों ने माइक ऑन कर लिया है। यस श्रेयस क्या बोल रहे बेटा? लीव। वेरी गुड, तो किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं? लीफ को। क्यों? क्योंकि लीफ क्या करता है? आप माइक ऑफ कर लो श्रेया थोड़े देर के लिए प्लीज। हाँ ओके, तो हम क्या, अब हमने यहाँ पर आज एक नई चीज सीखी, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक, किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं, प्लांट के किस पार्ट को? लीफ को। क्यों? क्योंकि किचन में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। दिव्यांश प्लीज मुझे एक्सप्लेन, प्लीज बेटा मुझे एक्सप्लेन करने दो। क्यों? क्योंकि किचन में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और प्लांट के कौन से पार्ट में खाना बनता है?
लीफ में, तो हम लीफ को क्या बोलेंगे? किचन ऑफ द प्लांट। आप याद रखना सब लोग, और जिसे नो और सब लोग इसको कॉपी में नोट भी कर लेना, किचन ऑफ द प्लांट क्या है? लीफ। मैंने लिखवाया नहीं है बट आपको नोट करना है। स्ट्रेस ऑफ माइक ऑफ कर लो बेटा। आप सभी लोग कॉपी में इसको राइट डाउन करेंगे अपने से, कुछ कुछ जो वर्ड्स मैम बताती हैं या टॉपिक बताती हैं उसको खुद से भी लिखा करो। हर एक चीज मैम नहीं लिख लिख के देंगी। अब आप बड़े हो रहे हो, अब वैसे मैम ने बोल दिया किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं? लीफ को। तो आप तुरंत कॉपी पेन है आपके पास, पेंसिल, वहीं पे आप लिख लो किचन ऑफ द प्लांट क्या है? लीफ। ओके, अब मैं बुलाऊंगी विकास प्रजापति। यस यस अश्विता, मैम ना कट हो गई थी, आप बताना क्या बोल रही थी आप? अच्छा, मैं बता रही थी किचन ऑफ द प्लांट लीफ को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किचन में क्या करते हैं हम लोग? खाना बनाते हैं। वैसे ही प्लांट के कौन से पार्ट में खाना बनता है? लीफ में। तो इसलिए किचन ऑफ द प्लांट लीफ को बोलते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो, किचन ऑफ द प्लांट लीफ। यस वेदांश प्रजापति, ओके, विच पार्ट ऑफ हेल्प टू प्लांट इन अपराइट पोजिशन। अच्छा, अब मुझे आप बताओ वेदांश, एक सेकेंड, रूट्स, ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कलेक्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल? प्लांट के किस पार्ट से, सॉयल से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं या वाटर लेते हैं? प्लांट के किस पार्ट से? लाइकन? नो, प्लीज डोंट ओपन एनीवन योर माइक, ओनली वेदांश प्रजापति ओपन योर माइक। मैम रूट। यस रूट, वेरी गुड। चलो, मुझे लगा सबको, चलो अच्छा पढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। अब मैं कॉल करूंगी, एक सेकंड, राज, राज राज नहीं है क्लास में? है कि नहीं क्लास में राज? नहीं है, ओके। आराध्या श्रीवास्तव? यस आराध्या, आर यू इन द क्लास? ओके साइरम बेटा, यस साइरम, यू टेल मी विच। यस बेटा, क्या बोल रही हो? मैं बहुत देर से क्लास में हूँ। अच्छा, आप बहुत देर से क्लास में हो, ओके वेरी गुड। चलो, अब आप मुझे बताओ विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन अप पोजिशन इन प्लांट, अपराइट पोजिशन मीन्स विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प्स टू कीप द प्लांट इन एन अपराइट पोजिशन। तो आप ये बताओ प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पेड़ को या प्लांट को सीधा रखने में हेल्प रखता, हेल्प करता है? स्टेम। स्टेम, वेरी गुड स्टेम। यशवर्धन, अब मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, दिस इज लास्ट वार्निंग। आई नो बेटा आपको आता है, बट बेटा और भी तो बच्चों को चांस देना है ना हमें। जैसे आप बोलोगे फिर दूसरे बच्चे बोलेंगे फिर तीसरा बच्चा बोलेगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा? फिर आप ही सिर्फ तीन लोग बोलोगे आंसर, बाकी बच्चे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, आंसर ही नहीं दे पाएंगे। फिर सारे लोग देंगे तो कोई मैम की बात ही नहीं सुन पाएगा। फिर ऐसे हम लोग बस आंसर ही देते रह जाएंगे एक ही क्वेश्चन के, और मैम सबको शांत कराती रह जाएगी। ओके आराध्या, वेरी गुड। वेद,
Yes, ma'am. हाँ एक वेट 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 वन मिनट आप मुझे बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट अरे सॉरी व्हाट इज यूजेस ऑफ प्लांट प्लांट का यूज क्या है मैम ऑक्सीजन अब मैं तनिष को क्लास से बाहर निकाल रही हूँ मीटिंग से बाहर कर रही हूँ मैम मैं आई गो टू वॉशरूम यस बेटा यू कैन गो वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप बता रहे हो कि मम्मा आपको बता रही है आपको खुद से बताना है आता है तो ठीक है नहीं आता कोई बात नहीं हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे ठीक है ओके चलो अच्छा वेरी गुड वेद आपने बताया अब मुझे बताएंगे वेद हो गया अब कौन बचा त्रिवेणी त्रिवेणी आई नहीं क्या क्लास में अभी मैंने एक बार और उसका नाम कॉल किया था त्रिवेणी क्लास में नहीं है मेरी आईडी आ गई ओके चलो दर्शिका 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 भी नहीं है ओके ध्रुव ध्रुव शर्मा ओपन योर माइक सायराम बेटा अच्छा आप मुझे बताओ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप मुझे यस या नो में आंसर दोगे ठीक अब ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन लीफ क्या करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं ये सही है या गलत है मैम यस है सही है पक्का पक्का मैम या ये है कि लीफ लीफ मैम सही है मैम ये है या ये सही ओके ध्रुव पक्का सही है ना सही है मैम ध्रुव रूहानी का भी नाम है ध्रुव दिव्यांश का भी नाम है ध्रुव श्रेयस का भी नाम है इतने सारे लोग का ध्रुव नाम है अब मुझे बताना पड़ेगा सर को कि सर आपने सबके नाम गलत लिख लिए स्कूल में सबके नाम तो ध्रुव है सबका नाम चेंज कर दीजिए यस ध्रुव वेरी गुड चलो आप माइक ऑफ कर लो ओके नाउ सबसे तो हमने पूछ लिया अब और कोई कौन बचा है अनिरुद्ध तो अनिरुद्ध आपसे पूछ लिया मैंने रूहानी व्हाट आर यू डूइंग अनिरुद्ध ओके अनिरुद्ध क्लास में नहीं है अनाबिया मैम अनाबिया यस अर्शिता मैम जो मेरा भाई है ना वो दूसरे मोबाइल से कर रहा है उसमें मेरी आईडी है तो वो आपकी आईडी से क्यों कर रहा है मैंने जो पहले इंग्लिश की क्लास पे है उसकी आईडी से मैंने मेरी आईडी करवा ली तो मेरी आईडी से कर रहा था तो उसने सोचा कि मैं दूसरे मोबाइल से कर लूं हाँ तो ठीक है मोबाइल सेम हो सकता है बट आईडी सेम थोड़ी हो सकती है यस मैम कल मैं उसकी आईडी चेंज करवाता अच्छा अनाबिया है क्लास में नहीं है ओके
अब कौन बचा? दर्शिका भी क्लास में नहीं है। कुशाग्र, यस कुशाग्र, यस मैम। सायरम बेटा, सायरम मैम, यस यस। यू टेल मी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ जो उसके पार्ट्स हैं, जो नेम है वो आप हमें बताओ। हमने पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। यस मैम। मैम रेड रेड मेटरेब साइड वेन्स पेटियोल स्टिप्यूल ब्लेड। हाँ ब्लेड तो बेटा सबके नाम होते हैं ना, मीन्स आपके एपेक्स वेन्स मिड रिब एंड बेस, ये फोर को ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं? ब्लेड। हाँ ओके मम्मी आई गो टॉयलेट। ठीक है यस बेटा यू कैन गो। ओके नाउ टुडे I am presenting my screen. All of you watching this. All of you have your copy or pencil? Both? सबके पास अपनी copy pencil है ना? Okay now I am presenting my screen. All of you. Okay. All of you write only. सिर्फ आपको क्या करना है, लिखना है, पिक्चर नहीं बनाना है। ठीक है अभी मैं आपको दिखा रही हूं। यस हियर यू कैन सी श्रेयस, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। ओके नाउ यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स। हमने लीव्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वैसे ही आपने देखा होगा प्लांट्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के लीव्स होते हैं। किसी के लीव्स क्या होते हैं, साइज में अलग होते हैं, शेप में होते हैं, स्मेल में, कलर में। किसी की लीव क्या होती है, ओवल शेप में होती है, किसी की सर्कल होती है, किसी की ट्रायंगुलर होती है, और सबके शेप भी अलग होते हैं, किसी के स्मॉल होते हैं, किसी के बिग होते हैं। ठीक, तो वैसे ही सबके क्या हो, सारी लीफ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, देर आर मेनी लीव्स दैट आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज। तो लीव्स के यूज क्या होते हैं, जैसे प्लांट के यूज होते हैं ना डिफरेंट, वैसे लीव्स भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक लीव्स तो हम यूज करेंगे एज अ वेजिटेबल, एज अ स्पाइसेस। कुछ लीव्स हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, कुछ स्पाइसेस, स्पाइसेस मींस मसाले। ठीक, और कुछ क्या होते हैं, मेडिसिन के पर्पस से यूज करते हैं, और कुछ रूफ, रूफ मींस जैसे आपके छतों पे आपने देखा होगा बहुत जगह क्या होते हैं, बहुत सारे लीव्स लगा के उनके रूफ बनाए जाते हैं, बहुत जो झोपड़ी होती है, हट होते हैं, उसमें क्या करते हैं लीव के वो लोग क्या बनाते हैं, अपने छत बनाते हैं। तो यहाँ पर है यूजेस ऑफ लीव्स। ओके तो आप बस इतना लिखोगे, वी ईट सम लीव्स एज अ वेजिटेबल। आप हेडिंग डालोगे यूजेस ऑफ लीव्स, फटाफट आप डालो। ऑल यू राइट यूजेस ऑफ लीव्स। आप ये कह सकते हो, ये आप कर लो ऐसे, यूजेस ऑफ लीव्स आप लिखोगे, और उसके आगे आप क्या लिखोगे, कैसे यूज करते हैं हम वेजिटेबल। आप यहां से जल्दी जल्दी देख के लिखो, वेजिटेबल स्पाइसेस ऑल ऑफ यू राइट ना, राइट डाउन इन योर कॉपी। सब लोग लिख रहे हैं कॉपी में ना, कुशाग्र आप भी लिखो, दिखाइए वापस से प्लीज ना। हाँ हाँ मैं दिखा रही हूँ, आप लिखो वेजिटेबल स्पाइसेस
पहले आपने बोला था ना, वो ऊपर वाला लिखा था ना, बोल रहे आप ऊपर वाला लिखो, वो वाला। हाँ अभी तो मैं इतना ही दिखाई हूँ, इतना ही आपको यही लिखना है, यूजेस ऑफ लीव्स। उसके बाद आपको लिखना है कैसे यूज करते हैं हम लोग लीफ का, वेजिटेबल के रूप में, स्पाइसेस के रूप में और मेडिसिन के रूप में। और इसके आगे आप थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना, अब वेजिटेबल में कौन से लीफ हम यूज करते हैं वो आगे लिखेंगे हम, स्पाइसेस में कौन से लीफ यूज करते हैं वो दो दो नाम सबके लिखेंगे हम, वेजिटेबल के दो नेम, स्पाइसेस के दो नेम, मेडिसिन के दो नेम। तो थोड़ा थोड़ा आप गैप छोड़ना, राइट डाउन। ओके मुझे लिखना है तो मैं। ओके नाउ लास्ट वन, रूफ। मैम मेरे को वेजिटेबल लिखना है पहले, अभी किस पे लिखना है? वेजिटेबल होगा और अब स्पाइसेस करना है, वेजिटेबल। अच्छा अच्छा, लिसन 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 केयरफुल। मैम रूफ के बाद क्या है? सुनो बेटा मैं एक काम करूं, मैम वेट मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ मैं सुन रही हूँ, पहले आप मेरी बात सुनो। फर्स्ट यू लिसन टू मी, फर्स्ट यू लिसन टू मी एंड स्विच ऑफ योर माइक। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी कॉपी में, तो आप कॉपी में इसको लिख लेना। अभी आप मत लिखो क्योंकि टाइम एक्चुअली हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, टाइम हो गया। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और अब मैं आपको इसको सेंड कर दूंगी, तो आप कॉपी में लिख लेना आराम से। कुछ नहीं, ऑल ऑफ यू स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और अरे बेटा पहले मेरी बात तो सुनो आप लोग, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी, फिर आप आराम से घर में बैठ के आज लिख लेना, ठीक है? अब कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, जिसको जो भी डाउट होगा क्लास के बाद रुकेगा, फिर वो अपने डाउट क्लियर करेगा। मैम बीच में कोई माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी मैं नहीं। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ आप क्लास के बाद अभी रुकना, फिर अपना क्वेश्चन पूछ लेना, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो इसको। तो हम लोग यहाँ पर वेजिटेबल के रूप में कौन कौन से लीफ यूज करते हैं, एज अ कोरिएंडर मीन्स धनिया, और क्या है ये कोरिएंडर है, ये क्या है आपका स्पेकल, और ये हो गया आपके मिंट। ओके एंड हियर लीफ यूज्ड एज अ स्पाइसेस, ये क्या है स्पाइसेस, मसाले। आपने घरों में देखा होगा मम्मी को, ये मसाले क्या करती है मम्मी, ये इसको तेज पत्ता कहते हैं, मम्मी सब्जियों में डालती हैं, तो ये क्या, ये भी एक तरीके की लीफ है। मेरी मम्मा पनीर में डालती हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हाँ मुझे पता है बेटा, सब मम्मा यूज करती हैं, ठीक। और ये क्या है, दालचीनी, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेमोन, ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये जो लकड़ी जैसा, इसको बोलते हैं सिनेमोन, ठीक। और ये जो स्टार होता है, ठीक, स्टार फ्रूट, स्टार के जैसे शेप में होता है, वेट। और उसके बाद ये स्पाइसेस हो गए हमारे, पहले मुझे मैम एक बार शुरू से बता दीजिए। अब आप वेट करो, क्लास के बाद रुकना, फिर मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप क्लास के बाद दो मिनट रुक जाना, ठीक। लीव्स ऑफ बेसिल्स, थाइम एंड पार्सली आर यूज्ड एज हर्ब्स। हर्ब्स मींस आपको पढ़ाया था हमने प्लांट्स के टाइप में, तो ये सारी जो होती है एज अ हर्ब्स यूज करते हैं, इनको आप मीन्स डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक। और ये आपके क्या है, ये देखो लीव्स ऑफ मेडिसिन, एज अ मेडिसिन कौन से प्लांट को यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं, ये देखो
तुलसी, घर में तुलसी का पौधा होता है ना, उसको हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। नीम की पत्ती को हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, ठीक। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एलोवेरा है, और भी बहुत सारे है। मैं नाम आपको लिख के सेंड कर दूंगी, आप लिखना उसको कैसे यूज करते हैं उस लीफ को मेडिसिन के रूप में। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, कोकोनट है, ये भी कोकोनट भी हमारा क्या होता है, लीव्स ऑफ कोकोनट पाम एंड खस आर यूज टू मेक रूफ्स। हमने बताया था ना जैसे झोपड़ी बनाते हैं ना हट, वो लोग क्या करते हैं अपने छतों को बनाने के लिए कोकोनट के लीव्स को यूज करते हैं, या तो खस के या तो पाम के। ये देखो ये होता है कोकोनट का लीफ, और ये होता है पाम का लीफ, और ये होता है पाम मीन्स खजूर, ठीक है, और ये होता है आपका खस का, ठीक। आपने देखा होगा ऐसे सड़क पे आप जाते हो ना, तो ऐसे बहुत सारे घास ऐसे दिखते होंगे, तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जो हट बनाते हैं लोग उसको अपने छत बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो हम लीव्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एज अ मेडिसिन, एज अ वेजिटेबल, एज अ स्पाइसेस, ओके, एंड फॉर रूफ। इतनी सारी है, अब मैं इसको वन बाय वन आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, आप उसको अपनी कॉपी में आराम से लिख लेना, ओके। और जिसको अब डाउट है वो क्लास के बाद रुक जाएगा, और जिसको डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर देगा। अभी हम शांति पाठ करेंगे, एक सेकेंड मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी, अभी लीव नहीं करना कोई, मैं अटेंडेंस ले लूंगी उसके बाद। चलो ठीक है, ओके, नाउ फॉर रेडी फॉर शांति पाठ। शांति 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 साईराम ऑल ऑफ यू, साईराम मैम, बाय मैम, बाय बेटा, किसको ड्रॉप